जय हर सिंह दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपके बीच में आपका दोस्त आत्माराम बोल रहा हूं। अभी हमारी जो बुक सीरीज चल रही है 21वीं सदी का व्यवसाय, मैं उसके बारे में आपसे बात करने वाला हूं। लेकिन उसके बारे में बात करने से पहले मैं कुछ और विषयों पे आपसे बात करना चाहता हूं। देखिए, हम सब लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हैं और अभी आप लोग समझ गए होंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हमारे लिए क्यों जरूरी है। अगर हमें टाइम फ्रीडम चाहिए, मनी फ्रीडम चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, तो हमें नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना पड़ेगा। और इन अनसर्टेनिटी के माहौल में, अनिश्चितता के माहौल में, नेटवर्क मार्केटिंग ही एकमात्र ऐसा बिजनेस है जो हमारे लिए सबसे बेहतर व्यवसाय साबित हो सकता है। लेकिन इस बिजनेस को हम करना तो सब चाहते हैं दोस्त, ये बात तो पक्की है। जिसको भी प्लान दिखाते हैं ना, ज्यादातर लोग इस बिजनेस को करना चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग सक्सेस नहीं हो पाते हैं इसमें। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे मैं कारण बताता हूं आपको, बहुत बड़ा कारण है। हम सब लोग वो चाहते हैं जो हमें चाहिए, लेकिन उसके लिए हम सब लोग वो नहीं करना चाहते हैं जो हमें वो पाने के लिए करना चाहिए। दूसरे शब्दों में अगर इसको ये यूं बोलूं मैं कि अगर आपको वो चाहिए जो आप चाहते हैं, तो वो आपको करना पड़ेगा जो आपको उसको करने के लिए चाहिए। शायद आपको बात थोड़ा सा समझ में नहीं आई होगी। मान लीजिए आप अपने किसी स्थान से, नियत स्थान से आप दिल्ली जाना चाहते हैं। मान लीजिए दिल्ली आपके घर से, आपके दिल्ली की दूरी 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर, जो भी दूरी है, अलग अलग एरिया में आपको दिल्ली जाना है, मान लेते हैं। अब आप दिल्ली जाना तो चाहते हैं, लेकिन आप ना तो कार ले रहे हैं, ना बस ले रहे हैं, ना साइकिल ले रहे हैं, ना रेल की टिकट ले रहे हैं, ना हवाई जहाज का टिकट ले रहे हैं, तो क्या आप दिल्ली पहुंचेंगे? नहीं पहुंचेंगे। यानी चाहने से आप दिल्ली नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आपको दिल्ली जाना है तो आपको क्या करना होगा? उसके लिए प्लानिंग करनी होगी और फिर एक्शन करना होगा। मैंने एक जगह पे एक बार बहुत साल पहले एक चीज सुन ली थी जो मेरे को बड़ा इस बिजनेस में फायदा दी। एक फार्मूला बताता हूं आज आपको मैं, सक्सेस का एक रियल फार्मूला बता रहा हूं और इसको ध्यान से समझना। सक्सेस का रियल फार्मूला है नॉलेज इंटू एक्शन बराबर रिजल्ट। अब मैं कम पढ़ा लिखा आदमी हूं, मेरे ऑडियो को कई बार कुछ पढ़े लिखे लोग सुनते हैं तो शायद उनको लैंग्वेज की प्रॉब्लम लग सकती है, कुछ व्याकरण की प्रॉब्लम लग सकती है, हिंदी इंग्लिश की कुछ शब्दों का डिफरेंसेज लग सकता है, वो एक अलग मैटर हो सकता है। आप ठीक से इस बात को समझें, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कामयाबी का एक मूल मंत्र है नॉलेज इंटू एक्शन बराबर रिजल्ट। इसकी विस्तार से चर्चा करते हैं। नॉलेज किसको कहते हैं? उस काम के बारे में वो सारी जानकारियां हमारे पास होनी चाहिए जिनसे हमारे वो काम में हम सफलता प्राप्त करते हैं, जिस भी काम में रिजल्ट जाते हैं। मैं एक किसान हूं तो मुझे खेती संबंधी सारी जानकारियों का नॉलेज होना चाहिए। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप कहोगे यस, होना चाहिए। मैं किसान हूं तो मुझे खेती संबंधी नॉलेज होना चाहिए। मैं एक डॉक्टर हूं तो मुझे मेडिकल प्रोफेशन से संबंधित नॉलेज होना चाहिए। मैं एक एडवोकेट हूं तो मुझे कानूनी नॉलेज होना चाहिए। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप बोलोगे यस, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि अगर मेरे पास उस फील्ड का नॉलेज नहीं है तो मुझे उस फील्ड में सक्सेस नहीं मिलेगी। आप बोलोगे यस सर, नॉलेज होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कई लोग तो बोलेंगे यस यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नॉलेज होना ही चाहिए। अब नॉलेज मैंने किसी भी फील्ड का लिया 100%। अब मान लीजिए आरसीएम बिजनेस में कर रहा हूं, आरसीएम बिजनेस में मैंने 100% नॉलेज ले लिया। अब नॉलेज तो 100% मैंने ले लिया, अब उसको मल्टीप्लाई किसे कर रहे हैं? नॉलेज इंटू एक्शन। अब मैं नॉलेज को गुणा करता हूं एक्शन से। मेरे पास में खेती किसानी का पूरा नॉलेज है, एकदम भरपूर नॉलेज है, लेकिन मैं खेत नहीं जा रहा हूं, यानी मैं कोई एक्शन नहीं कर रहा हूं, मेरा एक्शन जीरो है। तो रिजल्ट के रूप में फसल आएगी क्या?
कितनी आएगी फसल? आप बोलोगे सर जीरो ही आएगी। भाई आपके पास नॉलेज है बट आपने खेत में जाके, खेती करने का नॉलेज है लेकिन खेत में जाके आपने काम नहीं किया तो रिजल्ट क्या आएगा? जीरो, यानी फसल नहीं होगी। मेरे पास मेडिकल की सारी पढ़ाई की हुई है लेकिन मैं वो मेरा स्टेथोस्कोप उठा के डॉक्टर के रूप में जो मेरे को कार्य करना चाहिए, जो एक्शन करने चाहिए, वो एक्शन अगर नहीं मैं करूं तो क्या मेडिकल प्रोफेशन से मुझे कोई फायदा होगा? आप बोलोगे नहीं। मेरे को टीचिंग का यानी पढ़ाने का बहुत अच्छा नॉलेज है बट मैं पढ़ाता नहीं हूं तो मुझे टीचिंग प्रोफेशन से कोई फायदा होगा? नहीं होगा। मैं आरसे बिजनेस करता हूं, मेरे पास सारा नॉलेज है, मेरे को मालूम है बेसिक क्या होता है, मेरे को मालूम है कोर क्या होता है, मेरे को मालूम है कोऑर्डिनेट रूल क्या होता है, मेरे को मालूम है प्लान कैसे दिखाना है, मेरे को मालूम है प्रोडक्ट ट्रेनिंग कैसे देनी है, मेरे को मालूम है मीटिंग कैसे लेना है, मेरे को मालूम है सेमिनार कैसे लेना है, मेरे को हर वो चीज जिससे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सक्सेस मिले, हर वो चीज मुझे मालूम है, हर वो चीज जिससे नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हुआ जा सकता है मुझे सब कुछ मालूम है लेकिन मैं करता कुछ भी नहीं तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा? जीरो। यस और नो? यस। यानी मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का नॉलेज सारा है लेकिन मेरा एक्शन जीरो है तो रिजल्ट क्या आएगा? नॉलेज इनटू एक्शन बराबर रिजल्ट। नॉलेज 100% है, एक्शन 0% है, रिजल्ट जीरो। इसका मतलब अगर मेरे पास नॉलेज है लेकिन मैं एक्शन जीरो कर रहा हूं तो रिजल्ट जीरो आएगा। दूसरी बात समझते हैं, नॉलेज वाला डिपार्टमेंट जीरो कर देते हैं। मुझे खेती किसानी का कोई नॉलेज नहीं, अभी मैं खेत चला गया और मैं जाके वहां पे टाइगर की तरह एकदम बोला मैं चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, चक दूंगा, मार दूंगा, अब की बार तो सबसे बड़ा किसान मैं बनूंगा। खेत में जाके मैं काम लग गया लेकिन मेरे को नॉलेज नहीं है, अभी मेरे को जमीन का मालूम नहीं है उर्वरा शक्ति क्या होती है, मुझे मालूम नहीं है जमीन में नमी कितनी होनी चाहिए, मैं बीज डाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, फसल होगी कि क्या? नहीं होगी, नॉलेज नहीं है, एक्शन बहुत कर रहा हूं, रिजल्ट क्या आएगा? जीरो। मुझे मेडिकल प्रोफेशन का कोई नॉलेज नहीं है और मैं निकल गया कोरोना वॉरियर बन के, बोला मैं साला कोरोना का सबका इलाज कर दूंगा, आ जाओ मेरे से मिलो मैं सबका इलाज कर दूंगा, क्या होगा? कोई बंदा बचेगा? कोई नहीं बचेगा, मैं भी नहीं बचूंगा। मुझे मेडिकल का नॉलेज नहीं है लेकिन मैं एक्शन कर रहा हूं तो रिजल्ट क्या आएगा? जीरो। मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग का कोई नॉलेज है ही नहीं, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की किताब नहीं पढ़ी, मैं टेप नहीं सुनता, मैं मीटिंग में नहीं जाता, मैं सेमिनार में नहीं जाता, मैं 6 बेसिक फॉलो नहीं करता, मैं 8 कोर स्टेप फॉलो नहीं करता, मैं 3 कोऑर्डिनेट रूल फॉलो नहीं करता, मैं अपलाइन की बात नहीं मानता, मैं अपलाइन की बात नहीं सुनता, मैं सिस्टम की बात नहीं मानता, मैं सिस्टम की बात नहीं सुनता, ना मुझे प्लान दिखाना आता, ना मुझे प्रोडक्ट की जानकारी है, मुझे कोई नॉलेज नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग का और मैं निकल गया फील्ड के अंदर नंगी तलवार लेके कि जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कोई जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। जुड़ेगा क्या? नॉलेज नहीं है मेरे को बिल्कुल भी लेकिन एक्शन भरपूर कर रहा हूं। सुबह 7 बजे घर से निकलता हूं, रात को 10 बजे घर पहुंचता हूं। बोला क्या कर रहा हूं? बोला नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? बोला आरसे बिजनेस कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? बोला डायमंड बन रहा हूं। बनूंगा? नॉलेज जीरो है इंटू एक्शन 100% है, रिजल्ट क्या आएगा? जीरो। यानी अगर मेरे पास नॉलेज फुल है, एक्शन जीरो है तो भी रिजल्ट जीरो है, नॉलेज जीरो है, एक्शन फुल है तो भी रिजल्ट जीरो आने वाला है। यानी नॉलेज और एक्शन दोनों में से किसी एक को 100% करें और दूसरे को अगर जीरो रखेंगे तो रिजल्ट जीरो ही आएगा। अगर हमें 100% रिजल्ट चाहिए तो क्या करना होगा? सबसे पहले हमें नॉलेज को 100% करना होगा। किसी भी फील्ड का ज्ञान हमें अमीर नहीं बनाता है, ध्यान से सुनना इस लाइन को, किसी भी फील्ड का ज्ञान हमें अमीर नहीं बनाता है, उस फील्ड का विशेष ज्ञान हमें अमीर बनाता है। आप में जितने लोग ऑडियो सुन रहे हो ना भाई, मैं दावे के साथ कहता हूं बहुत अच्छी क्रिकेट आपको खेलनी आती है। अगर आपको बैट और बॉल दे दिया जाए ना तो शायद एक भी बॉल आपकी बाउंड्री से बाहर अंदर ना रुके, सब बाहर जाएंगे। क्रिकेट का बहुत अच्छा ज्ञान है आपको, आपको मालूम है 3 डंडे पीछे लगने चाहिए, एक बैट लेके आगे खड़े हो जाओ, फिर एक आदमी आएगा बॉल डालेगा,
और बाउंड्री से बाहर जाएगी, अगर घिसटती हुई जाएगी तो चौका होगा और उड़ती हुई जाएगी तो छक्का होगा, सबको मालूम है आपको, लेकिन वो ज्ञान है आपको क्रिकेट का। पैसे आते हैं क्या उस ज्ञान से आपको? आप कहोगे नहीं आते, लेकिन विराट कोहली को क्रिकेट का विशेष ज्ञान है, विशेष ज्ञान है, जो विराट पैसे बनाते हैं, टन्स ऑफ मनी बनाते हैं, टन्स ऑफ मनी बनाते हैं। ज्ञान आदमी को अमीर नहीं बनाता है, विशेष ज्ञान उस फील्ड में लिया गया विशेष ज्ञान आदमी को अमीर बनाता है। आपको ज्ञान है नेटवर्क मार्केटिंग का, लेकिन विशेष ज्ञान नहीं है। जिन लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग का ज्ञान है वो लोग पैसा नहीं बना रहे हैं, जिन लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग का विशेष ज्ञान है वो लोग पैसा बना रहे हैं। तो सबसे पहले आपको नेटवर्क मार्केटिंग का विशेष ज्ञाता बनना पड़ेगा, आपको पूरा नॉलेज लेना पड़ेगा। मैं रोज ये बात बोलता हूं, आपको ज्ञान अमीर बनाएगा, आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, कहीं से भी मिलिए, ऑडियो से मिले लीजिए, बुक से मिले लीजिए, टेप से मिले लीजिए, अपलाइन से मिले लीजिए, डाउनलाइन से मिले लीजिए, क्रॉसलाइन से मिले लीजिए, सिस्टम से मिले लीजिए, कहीं से भी मिले। आपको अगर इस फील्ड में कामयाब होना है तो आपके पास नेटवर्क मार्केटिंग का विशेष नॉलेज होना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, एक्शन। किसी भी काम में तब तक सफलता नहीं मिलेगी जब तक आपका एक्शन 100% नहीं हो। इस सीरीज में मैं आगे एक बुक लेके आऊंगा, दुनिया का सबसे महान चमत्कार और दुनिया का सबसे महान सेल्समैन और दुनिया की सबसे महान सफलता, ऑगमेंटिनो की तीन किताबें हैं, इस सीरीज में मैं आपको वो जरूर पढ़ाऊंगा। उसमें ऑगमेंटिनो एक बात कहते हैं, बाकी तो जब बात करेंगे, किताब पढ़ेंगे तब बात करेंगे। ऑगमेंटिनो एक बात कहते हैं, किसी भी फील्ड में सक्सेस आपको तब मिलती है जब आपका शरीर की हड्डियां आपसे दया की भीख मांगे, आप काम करते करते इतने थक जाएं कि आपकी हड्डियां आपसे दया की भीख मांगे कि बस यार अब तो बस कर यार, बस यार अब तो इंतहा हो गई यार। लेकिन तब जब आपकी हड्डियां आपसे दया की भीख मांगे तब भी आप काम कर रहे हो, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको उस मेहनत के आगे सफल होने से नहीं रोक सकती है, कोई भी। नंबर एक, जिस फील्ड में आप सक्सेस चाहते हो उस फील्ड का विशेष ज्ञान आपके पास होना चाहिए। विराट कोहली के पास क्रिकेट का विशेष ज्ञान है, लेकिन ज्ञान के साथ साथ विराट कोहली उस फील्ड में पसीना बहाता है। लॉकडाउन के अंदर भी विराट कोहली अपने घर में प्रैक्टिस करता है, वो प्रैक्टिस कर रहा है, क्योंकि उसको मालूम है अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो मैं सक्सेस नहीं होऊंगा। तो पहली चीज है आपके पास उस फील्ड का नॉलेज होना, और दूसरा है उस फील्ड के अंदर जबरदस्त मेहनत करना। अगर ये दोनों चीज आप करते हैं तो आपके रिजल्ट ट्रमेंडस आने वाले, जबरदस्त आने वाले, धमाकेदार आने वाले, सक्सेस बहुत बड़ी होने वाली है। नॉलेज अगर 100% है आपके पास, जैसे विराट कोहली के पास क्रिकेट का 100% नॉलेज है, वो एक्शन भी 100% करता है, तो रिजल्ट 10,000% करता है। आप भी अगर चाहते हो कि आपके रिजल्ट 100% नहीं 10,000% हो, तो आज ये गांठ बांध, इस ऑडियो को रिकॉर्ड करके अपने सेव करके अपने फोल्डर में डालो, रोज सुनो। आप ये मत मानिए ऑडियो आत्माराम सर का, आप ये मानिए ये ऑडियो आत्माराम सर ने पता नहीं कहां से निकाला है, क्योंकि इस ऑडियो ने आत्माराम सर को लाखों रुपए महीने का इंसान बनाया, लाखों रुपए महीने का इंसान बनाया, आपको भी बना सकता है। इसलिए आज गांठ बांधो कि हम नॉलेज में 100% विशेष ज्ञान लेंगे, आरसी बिजनेस का, नेटवर्क मार्केटिंग का विशेष ज्ञान लेंगे, 100% एक्शन करेंगे। कसम खुदा की अगर आपने ऐसा किया तो रिजल्ट आपके 10,000% होंगे, दुनिया आपको सैल्यूट करेगी। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।